हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे WWE से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट्स के बारे में, जो कि जुड़ी हुई हैं WWE सुपरस्टार से। सब अपडेट पर नजर डालेंगे, वो भी डिटेल्स में, तो बने रहे मेरे साथ, वरना बहुत कुछ आज आप मिस कर जाएंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शुरुआत करते हैं फर्स्ट अपडेट से। अभी हाल ही में WWE के बड़े लेजेंड जिम रोज ने WWE के फ्यूचर सुपरस्टार के बारे में बताया। वैसे आप सभी जिम रोज को जानते होंगे, वो WWE में काफी टाइम कमेंट्री कर चुके हैं और स्पेशली अंडरटेकर के मैचेस में भी उन्होंने कमेंट्री करी है। आपको बता दूं, हाल ही में जिम रोज ने बताया कि वो किसे WWE का फ्यूचर मानते हैं, जिसके बाद रोज ने कहा कि वो ड्रू मैकइंटायर को WWE का फ्यूचर मानते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं काफी शॉक हूं कि WrestleMania 35 में बस 3 हफ्ते का समय बचा है और ड्रू मैकइंटायर का मैच अब तक सामने नहीं आया है। जिम रोज ने कहा कि ड्रू मैकइंटायर रॉ के काफी बड़े स्टार हैं और वो बिल्कुल वैसे हैं जैसे रेसलर विंस मैकमैन को पसंद आते हैं। वो सबसे अलग हटके हैं, उनकी बॉडी शेप, रेसलिंग स्किल्स काफी हटके हैं, जो उन्हें आने वाले टाइम में WWE का बहुत बड़ा स्टार बनाएगी। वहीं हाल ही में ड्रू मैकइंटायर ने रोमन रेंस पर बुरी तरह से अटैक करा था, जिसके बाद उम्मीद है कि रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकइंटायर के बीच WrestleMania 35 में मैच दिख सकता है। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है ब्रॉक लेसनर के फ्यूचर से। जैसा कि जब जब ब्रॉक लेसनर किसी बड़े इवेंट में दिखते हैं, तो वो WWE के साथ साथ कब तक रहेंगे, इस बात पर अपडेट आने लग जाती हैं। आप सभी को बता दूं, हाल ही में WWE अपनी ब्रांड स्मैकडाउन को प्रमोट करती नजर आई। वहीं इस साल अक्टूबर में स्मैकडाउन फॉक्स टीवी पर चला जाएगा। आप सभी को बता दूं, 4 अक्टूबर 2019 को स्मैकडाउन का एपिसोड फॉक्स टीवी पर आएगा। WWE ने उसको प्रमोट करने के लिए ब्रॉक लेसनर का नाम यूज करा है, जिसके बाद अपडेट ऐसी है कि ब्रॉक लेसनर ब्रांड चेंज करके स्मैकडाउन लाइव का हिस्सा बन जाएंगे। वहीं कुछ लोग मान रहे हैं कि WWE केवल ब्रॉक लेसनर का नाम एज अ प्रमोशन के लिए यूज कर रही है। वाकई अगर ये सही होता है तो ब्रॉक लेसनर स्मैकडाउन लाइव का हिस्सा बन जाएंगे। वहीं अगर ऐसा होता है तो ब्रॉक लेसनर 15 साल बाद स्मैकडाउन में फिर से दिखाई देंगे। वहीं ब्रॉक लेसनर के फैंस के लिए अच्छी खबर होगी कि वो WWE नहीं छोड़ने वाले हैं। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है शील्ड के मेंबर डीन एम्ब्रोस से। जैसा कि हम सभी जानते हैं, डीन एम्ब्रोस अप्रैल में WWE छोड़ रहे हैं और इसमें ही आगे दिखाते हुए लास्ट वीक शील्ड ने अपना प्रोमो डीन एम्ब्रोस के फेयरवेल के रूप में करा, जिसके बाद ऑलमोस्ट कंफर्म है कि वो जा रहे हैं। वहीं वो अप्रैल तक WWE में बने रहेंगे। इस बीच WrestleMania 35 भी होना है, बट अभी तक डीन एम्ब्रोस किसी के साथ फ्यूड में नहीं है। वो एज अ शील्ड मेंबर बॉबी लैशले, बैरन कॉर्बिन और ड्रू मैकइंटायर के साथ फ्यूड में दिख रहे हैं। वहीं लास्ट वीक डीन एम्ब्रोस और ड्रू मैकइंटायर के बीच मैच भी दिखा था। वहीं कुछ टाइम पहले मैंने आप सभी को बताया था कि WWE डीन एम्ब्रोस को WrestleMania 35 में मैच में नहीं उतारेगी और वो WrestleMania 35 में होने वाले इवेंट से पहले ऑटोग्राफ साइनिंग में दिखाई देंगे। वहीं हाल ही में WWE ने एक पोस्टर लॉन्च करा है, उसमें डीन एम्ब्रोस कहीं भी नहीं दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं पोस्टर स्क्रीन पर है, जिसके बाद माना जा रहा है कि डीन एम्ब्रोस WrestleMania 35 में नहीं दिखने वाले हैं और वो शायद किसी तरह का मैच ना खेलें। तो फ्रेंड, ये थी WWE से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट्स। आई होप आपको पसंद आई होंगी। तो लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की अपडेट्स के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन पे डर्टी डीड्स स्पीयर मारकर चैनल सब्सक्राइब करें, मगर प्यार से। थैंक यू।